आज बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज वी गोइंग टू टॉक अबाउट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी के लिए मेरे साथ आज जुड़े हैं चुई के हेड ऑफ सेल्स हिरेन पटेल। सो हेलो मिस्टर हिरेन। हाय सुरेश, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। तो आप मुझे बता सकते हो व्हाई चुई इज द मोस्ट अफोर्डेबल इन दिस रेंज? सो बेसिकली मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि व्हाट इज चुई। सो चुवी हम 1.5 साल से कर रहे हैं इंडिया में ऑपरेशंस। ग्लोबली ये लॉन्च हुआ था 2004 में। बेसिकली दिस इज एन ऑनलाइन ब्रांड फॉर US, रशिया, जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज। इन इंडिया वी स्टार्ट ऑपरेशन लास्ट ईयर एंड वी लॉन्च्ड फ्यू मॉडल्स इन लास्ट ईयर एंड दिस आर द सक्सेसर। सो व्हाई अफोर्डेबल प्राइस? बिकॉज चुवी का बैकग्राउंड ये है, दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग OEM कंपनी। So they make laptop for all other brands. So that's why their manufacturing cost is low and quality is good. So we started importing and started business in India. And further ahead, we are introducing few models in India. So usme se ye do naye model launch kiye hai. So ye price bracket mein, ye screen size mein koi kisi ke paas rahega hi nahi. बिल्कुल सही है। तो start में हम लोग बात करते, जो भी हम लोग laptop देखते हैं तो first उसका design देखते हैं। Alright. तो ये आप इसके डिस्प्ले क्या रहे हैं, आप कुछ बता सकते हो? बेसिकली अगर आप ये लैपटॉप जो हम लॉन्च कर रहे हैं तो दिस मॉडल इज डिमनी बुक प्रो प्लस। ओके, सो ये जो है 15.6 इंचेस का स्क्रीन साइज है विद फुल HD डिस्प्ले, IPS पैनल। सो व्हाट इज IPS? तो स्क्रैच प्रूफ, जो मोबाइल में आता है टेक्नोलॉजी। ओह, स्क्रैच प्रूफ, वेरी गुड। IPS पैनल है। तो ये अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो इट इज फुल HD डिस्प्ले। द क्वालिटी ऑफ कलर्स आर मोर वाइब्रेंट कंपेयर टू ऑल अदर ब्रांड्स। तो क्वालिटी अच्छा रहेगा, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है। और चुवी का ASP या USP बोल लो इस डिस्प्ले क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है, दिखाई दे रहा है। मेरा अगला सवाल ये है आपको कि जब भी हम लैपटॉप की बात करते हैं तो बैटरी लाइफ की बात करते हैं। सो कैन यू टॉक अबाउट बैटरी लाइफ कैसे है फ्रॉम द चार्ज? सो वंस इट्स इन एन आइडियल मोड यू कैन से स्टैंड बाई टाइम एज पर मोबाइल लैंग्वेज। सो स्टैंड बाई टाइम ऑफ द लैपटॉप इज 8 hours. And it all depends upon the usage. So your usage is heavy, so it can last to 3 to 4 hours. So that is the time. And this is the N100 processor. So consumption of battery is much lesser compared to all other models. So what is N100? So N100 is a new processor which is launched globally, majorly in US, China and other countries. India mein yeh processor abhi tak launch nahi hua hai. But Chewy being an OEM manufacturing company, so they have given us this product. So the battery consumption is less, it is more faster, and it is equivalent to i3 10th generation or 8th generation processor. So in that price bracket, this is the good model. तो बात करते हैं पोर्ट्स की, तो आप बता सकते हैं उसमें कितने पोर्ट्स हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं? 3 USB स्लॉट्स हैं, 2 आपका C टाइप स्लॉट्स हैं, एक आपका LAN पोर्ट दिया हुआ है और एक लॉकिंग सिस्टम वाला जो दिया हुआ है। तो ये इंटरनल पोर्ट्स इसमें बिल्ट इन है, प्लस इसमें आप SSD बढ़ा सकते हो। तो अगर आप जैसे ये 256 GB का स्लॉट मतलब इन बिल्ट आता है, बट आपको 1 TB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि ये N100 है, तो इसमें कितना GB रैम है? ये 8 GB रैम विथ 256 GB SSD बिल्ट इन आएगा, बट आप SSD फ्यूचर में करना है आपको अपग्रेड, तो इट कैन सपोर्ट अप टू 1 TB एंड मोर ऑल्सो। ओके, जैसे कि आप ज़्यादा हैवी चीज़ गेमिंग वगैरह करते हो तो इसके वेंट्स की क्वालिटी कैसी है? सो मैंने जैसे आपको बताया था कि N100 प्रोसेसर है, सो कंजम्पशन इज लेस एंड हीटिंग इश्यूज इज लेसर। देन टू वी हैव अ वेंट सिस्टम बिलो। ओह यस, सो दैट मेक्स इवन कूलर। Can you talk about this trackpad? So ये basically biggest trackpad which other brands doesn't have. Even certain models of Apple gives you bigger trackpads. Why? Because editing के लिए बहुत काम आता है, तो trackpad is bigger, so you can easily do your things on the laptop. बॉडी क्वालिटी के बारे में कुछ बता सकते हो? ये मेटल बॉडी है, ये पॉलीकार्बोनेट है? ये पॉलीकार्बोनेट है एंड इट इज ड्यूरेबल कंपेयर टू ऑल एंड इट इज सिमिलर टू ऑल अदर ब्रांड्स व्हिच दे यूज इट, बट वी हैव मेटल सीरीज आल्सो।
हायर प्राइस पॉइंट में जाएगा तो आपको बॉडी कोर बुक में शायद यस कोर बुक इवन i5 प्रोसेसर वी हैव इवन चूवी के पास टैबलेट पीसीज भी है जो अभी अवेलेबल नहीं मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा तो टैबलेट पीसीज आल्सो बी वी हैव इन द प्राइस रेंज ऑफ 40,000 सो इट इज नोन एज यू बुक तो ये सब तो अच्छा लग रहा है मुझे तो बात करते हैं कॉल सेंटर्स या आपके टच पॉइंट्स सो इफ अ क्लाइंट wants to reach out for service issues. So, सबसे पहले ये बताएं आपके सर्विस सेंटर्स कितने हैं? 330 सर्विस सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ कस्टमर इज स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट सर्विस सेंटर सो वी हैव अ टोल फ्री नंबर अवर सर्विस पर्सन विल हेल्प हिम आउट टू गेट इट रिजॉल्व टू द नियरेस्ट पॉइंट ओके तो अपने स्क्रीन में आ रहा है सर्विस सेंटर इफ किसी को ये तकलीफ है बिकॉज ज़्यादातर मुझे पिछले वीडियो में लॉट ऑफ पीपल दे आस्क मी फॉर द सेम स्टफ अगर किसी को ये खरीदना है तो आपको स्क्रीन में जो नंबर आया आप उनको कॉल कर सकते हो हिरेन भाई को और आप ये लैपटॉप बुक कर सकते हो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो और अगर आपको सर्विस रिलेटेड कोई इश्यूज है या जानकारी चाहिए तो स्क्रीन में आए वो नंबर को आप कॉल कर सकते हो सो हिरेन भाई आप बता सकते हो आपके जो कंप्यूटर ब्रांड्स हैं जैसे ज़ेब्रोनिक्स है सो उनसे ये बेहतर कैसा है तो अगर आप ज़ेब्रोनिक्स विंग्स या दो सब ऑनलाइन ब्रांड्स देख रहे हो उसमें ये है कि वो फ्लिपकार्ट अमेजोन के लिए ही बनाया हुआ है तो अगर उनका मॉडल्स देखोगे तो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं सो इट इज़ सिमिलर बट चूवी का आपका हर एक आईडी डिफरेंट है लुक्स डिफरेंट है फील डिफरेंट है प्लस जो क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले हम दे पा रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे सो दैट वे वी आर एनी वे बेटर एट प्राइस एंड क्वालिटी ऑलराइट वेरी गुड और ये अवेलेबल अभी राइट नाउ अमेज़न में और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और कहाँ कहाँ आप ये चूई ब्रांड्स ले सकते हो तो अगर बॉम्बे में आप अवेयर हो जियो मार्ट में है फ्लिपकार्ट में है अमेजोन में है बट अगर आपको रिटेल स्टोर्स में देखना है रिटेल स्टोर्स में तो बॉम्बे में जाओगे तो आपके विजय सेल्स में अवेलेबल है BG1 में अवेलेबल है महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स से पुणे में अवेलेबल है जापान स्क्वायर केरला में अवेलेबल है फोन वाले गुजरात में अवेलेबल है मेहता एजेंसीज गुजरात में अवेलेबल है तो और धीरे 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 हम आउटलेट खोल रहे हैं संगीता मोबाइल बैंगलोर में अवेलेबल है बजाज में ऑलरेडी हम अवेलेबल हो जाएंगे अभी ये मंथ से तो हम धीरे 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 एक्सपांड कर रहे हैं और ये इसके लिए अलाउ करते हैं हमको अपने स्टोर पे बिकॉज हमारा क्वालिटी एंड सर्विस इज बेटर कम्पेयर टू दैट अदर ब्रांड्स सो दैट वे वी आर एनी वे बेटर एट प्राइस एंड क्वालिटी क्रोमा में अब तक अवेलेबल नहीं है ना क्रोमा में ये फाइनेंशियल ईयर में हम अवेलेबल हो जाएंगे बिकॉज अभी हमारा पाइपलाइन में जो लाइनअप चाहिए था जो स्टोर पर बिक सकता है वो अवेलेबल है तो जल्द लास्ट ईयर जैसे हमने बताया आपको हम सेलरॉन प्रोसेसर्स में अवेलेबल थे तो आज के डेट में हमारे पास सेलरॉन भी है N100 भी है i3 भी है i5 भी है फ्री योगा सीरीज भी अवेलेबल है एंड टैबलेट पीसीज भी अवेलेबल है तो हमारे पास 8 SKU अभी हो जाएंगे जो स्टोर के हिसाब से जो अवेलेबल है हम प्लेस करेंगे वहाँ पर वेरी गुड बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट्स के बारे में तो जान लिया आप प्राइसिंग के बारे में बता सकते हो उसका प्राइसिंग क्या है सो जो अभी जो ये दो मॉडल लॉन्च कर रहे हैं सो ये है हमारा सक्सेसर मॉडल हीरो बुक प्रो जो लास्ट ईयर का हमारा मॉडल था वही हमने बेटर स्पेक्स में करके लेके आ गए हैं 15.6 इंचेस में 8GB 256 रैम विथ IPS पैनल फुल HD एट प्राइस ऑफ 1990 एंड दूसरा जो मॉडल ला रहे हैं वो जिमी बुक एक्स प्रो प्लस ये भी सेम स्पेक्स है 8256 ये प्राइस ब्रैकेट में आएगा 22990 अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट ईयर फाइनेंस अवेलेबल नहीं था तो नाउ वी हैव बजाज फाइनेंस अवेलेबल सो पर्टिकुलर ये लॉन्च ऑफर है यू कैन गेट एट EMI ऑफ पेइंग 0 डाउन पेमेंट ओनली प्रोसेसिंग फी एंड गेट 8 EMIs ऑन इट अच्छा वेरी गुड अगर कोई ये चैनल देख के यू नो इफ दे वुड वांट टू बाय दिस और कंसीडर दिस चुई तो उनको स्पेशल प्राइस कुछ मिल सकता है तो अगर सीरीज में आपके चैनल के थ्रू आता है जो पार्टनर से खरीदता है अगर आपका नाम उधर दे देता है तो इसके ऊपर हम बैग एक अपने तरफ से दे देंगे अच्छा तो बैग उनको बैकपैक फ्री हम कर देंगे वहां से चलो बढ़िया बात है एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी रैप अप इट इज मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी सो माय सजेशन इज अगर लैपटॉप खरीदना है तो प्लीज कंसीडर चुई फर्स्ट देन यू कैन अपग्रेड व्हाटएवर यू रिक्वायर ये आपका वही क्वालिटी कम प्राइस में मिल जाएगा विच इज बेटर आई थिंक इन इंडिया आई थिंक सो ये बढ़िया है बिकॉज इवन आई थिंक जितना मैंने देखा लास्ट ईयर मैंने इसका रिव्यू किया था मिस्टर मेहता ही हैड यू नो काइंड ऑफ इनके बारे में बताए थे उसके बाद से मेरे इवन लाइक वन ऑफ माई कजन शी इज टेकन दिस और उसका जो फीडबैक है अभी तक अच्छा रहा है खास करके सर्विस का भी उसको कुछ इश्यूज आया नहीं है तो अच्छा है
I'm happy. Firstly, I'm very happy because it's काफी affordable है for the students and for the new beginners. So even I would recommend, अगर आप market में जाते हो और budget friendly laptop लेना है तो Chewy को आप consider ज़रूर कर सकते हो. तो उसी के साथ thank you so much for joining me.